सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में रेस्टोरेंट जैसे छोले किस तरीके से बना सकते हैं। इसे आप भटूरे के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेस्टोरेंट जैसे छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 125 ग्राम काबुली चने, जिन्हें मैंने 10 से 12 घंटे पहले भिगो दिया था और उसे अच्छे से 2 पानी से धो लिया है। आप देख सकते हैं चने फूल के साइज में डबल हो गए हैं। अच्छे टेस्ट के लिए आप हमेशा ऐसे 10 से 12 घंटे पहले ही भिगोएं। साथ ही मैंने लिया है 1 प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और बिल्कुल बारीक काटा है। 125 ग्राम चने में आप इस साइज का प्याज यूज करेंगे। 1 मीडियम टमाटर, इसे भी मैंने धो करके प्यूरी कर लिया है। 6 से 7 कलियां लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून चना मसाला, यानी कि 1/2 बड़ा चम्मच आपको चना मसाला लेना है। मैंने यहाँ पे MDH का चना मसाला लिया है। 1 छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी, इसे हम क्रश करके यूज करेंगे। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, आप इसकी जगह अनारदाना पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच हींग, साथ ही हमें कुछ खड़े मसाले चाहिए। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग, जिससे कि छोले में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। चलिए हम छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर में मैं डाल रही हूँ 1 कड़छी सरसों का तेल और इसे अच्छे से गर्म करूँगी। अच्छे टेस्ट के लिए आप हमेशा छोले को सरसों के तेल में ही बनाएं। तेल गर्म हो गया है, इसमें मैंने डाल दी हींग, साथ ही मैं खड़े मसाले डालूंगी। मसाले अच्छे से क्रैकल हो गए हैं, इसमें बिल्कुल अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाला है और सेम कंटिन्यूसली चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे सुनहरा होने तक पका लेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें। हाई फ्लेम पे इसे आपको नहीं पकाना है, नहीं तो प्याज जल जाएगा और छोले में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए, प्याज बिल्कुल अच्छे से पक गया है, इसमें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी प्याज को पकाना है, इससे ज़्यादा आपको इसे नहीं पकाना है। इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया था, जिसे मैंने धो करके बारीक काट के ग्राइंडर जार में डाला और इसे बस पीस करके फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक और टमाटर को हम लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम लो है, आप देख सकते हैं 2-3 मिनट हो गया है। टमाटर में से अब एक अच्छी सी खुशबू आ रही है कि वो थोड़ा थोड़ा पक रहा है। तो इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे गार्लिक और हरी मिर्च, जिसे मैंने क्रश करके रखा है। अदरक मैंने अभी नहीं डाली है, उसे मैं बाद में डालूंगी। साथ ही सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चना मसाला। आप हमेशा MDH या एवरेस्ट का ही चना मसाला यूज करें, तभी छोले में एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। मैं इसी ब्रांड का यूज करती हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्रश की हुई अदरक। अदरक आपको बिल्कुल लास्ट में डालनी है, नहीं तो अदरक का फ्लेवर भी सब्जी में नहीं आएगा। अब हम इसे तेल छोड़ने तक पकने देंगे। ये देखिए, मसाले को मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है। मसाले में से अब ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भिगोए हुए चने। चने का पानी मैंने फेंक दिया है और इसे अच्छे से मैं इस तरीके से चम्मच से डाल रही हूँ। इसे हम कड़छी से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छे से चने में मिक्स हो जाएं। बिल्कुल अच्छे से आपको चने के साथ मसाले को मिक्स करना है। फ्लेम मैंने लो रखी है, फ्लेम मैंने हाई नहीं की है। यहाँ पे मैंने सॉस पैन में लिया है 2 कटोरी पानी, इसमें डाल दी 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती। इसे हम 2 से 3 बॉयल आने तक उबाल लेंगे, फ्लेम हाई है। चाय बिल्कुल अच्छे से उबल रही है, इसमें 2-3 उबाल आ गए हैं। तो इसी पानी को हम यूज़ करेंगे अपने छोले में, जिससे कि छोले में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा कलर आएगा और छोले काफ़ी अच्छे से गलेंगे भी। मैं आमचूर पाउडर डालना भूल गई थी दोस्तों, तो मैंने उसे अभी यूज़ किया है। इसकी जगह आप अनारदाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे छोले में एक अच्छी सी खटाई मिलेगी। अब मैं इसमें चाय को इस तरीके से छान के डालूंगी। पानी का लेवल छोले से 3/4 इंच ऊपर तक ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं पानी मैंने कितना डाला है, बस छोले से थोड़ा सा ऊपर ही मैंने पानी का लेवल रखा है। इससे ज़्यादा पानी डालेंगे तो छोले गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे। ये देखिए, पानी भी बिल्कुल अच्छे से उबल रहा है। जब पानी बिल्कुल अच्छे से उबलने लगे, आप डाल दें इसमें 1/2 छोटा चम्मच खाने वाली बेकिंग सोडा, यानी कि मीठी सोडा। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कुकर का ढक्कन बंद करके छोले को 4 सीटी हाई फ्लेम पे और 4 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगवा दूँगी।
कुकर में 8 सीटियां लग गई हैं, कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी थी और कुकर अब ठंडा भी हो गया है। जब कुकर अच्छे से ठंडा हो जाए, यानी कि ये 70% ठंडा रहे, उस समय ही आपको इसे चेक करना है और करछी का यूज़ आपको नहीं करना है। चम्मच से आप 1 से 2 चने के पीस निकालें इस तरीके से और इसे प्लेट में रख के इस तरीके से चम्मच से मसल के देखें। ये देखिए, ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से मॉइस्ट है और बिल्कुल आसानी से मैश हो जा रहे हैं, यानी कि चने बिल्कुल अच्छे से गले हुए हैं। अगर चने अच्छे से नहीं गलेंगे तो आसानी से मैश नहीं होंगे। इसके बाद आपको इस तरीके से इसे स्पैचुला से मिक्स करना है, करछी नहीं लगानी है। करछी लगाएंगे तो सारे आपके चने छोले जो भी आप इसे बोलते हो वो टूट जाएंगे, तो इसी तरीके से आपको इसे स्पैचुला से ही मिक्स करना है। और इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी क्रश करके कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, पहले आप तवे पर हल्का सा गर्म करें ताकि वो थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए, उसके बाद आप हाथों से क्रश करके इसे इसमें डाल दें। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हम ढक करके मीडियम फ्लेम पे 2-3 बॉयल आने तक पकने देंगे, जिससे कि कस्तूरी मेथी का अच्छा सा फ्लेवर हमारे छोले में आ जाएगा। ये देखिए, छोले में 2-3 उबाल आ गए हैं, फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ। चलिए मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तैयार छोले को मैंने यहाँ पे सर्विंग बोल में निकाला है, इसे मैंने प्याज के लच्छों से गार्निश किया है। इसी तरीके से दोस्तों, आप भी अपने घर में छोले बनाएं और इसे भटूरे के साथ सर्व करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।